हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर अब तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनावी प्रचार संभाला हुआ है। इसी कड़ी में उन्होंने बहादुरगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र जून के हक में प्रचार किया और लोगों से उन्हें विजयी बनाने की अपील की। दीपेंद्र हुड्डा देर रात तक चुनावी प्रचार में जुटे रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुशासन की एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने रावदान सिंह पर हुई ईडी की कार्रवाई को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत से बीजेपी के लोग डर गए हैं, इसलिए ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करवा रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष का माहौल पूरे प्रदेश में है। बीजेपी के कुशासन की एक्सपायरी डेट बहुत नजदीक है। लोग बहुत दुखी है, हर वर्ग दुखी है। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा नशा, सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा प्रदेश में। 10 साल के बाद इनके पास एक काम बताने को नहीं है। जो इनके बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं वो केवल कांग्रेस पार्टी पे उड़ा साहब पे निशाना साधते हैं, कुछ बताने के लिए उनके पास है नहीं। तो ऐसे में निश्चित तौर से बहुत बड़ा कांग्रेस के पक्ष में प्रचंड बहुमत हरियाणा के अंदर आएगा, हमें विश्वास है।